हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजू और अंजूस ऑनलाइन शॉपिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है वो है अल्फ गुडनेस पाउडर हॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अल्फ गुडनेस का आपने नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअली एक वेबसाइट है purple.com, वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे हफ्ते में मैं सिर्फ अल्फ गुडनेस का जो पाउडर है उसी के बारे में आपके साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने कम से कम 2 से 3 वीडियो अल्फ गुडनेस के पाउडर के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, उसको भी आप देखना ना भूलें। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये है अल्फ गुडनेस का रोज़ पेटल पाउडर। तो फ्रेंड, ये आपको 50 ग्राम्स की क्वांटिटी में मिल जाता है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो purple.com पे ओरिजिनल MRP है वो 90 रुपीज़ है, लेकिन ये जब मैंने परचेज किया था तो मुझे 50% ऑफ में मिल गया था। और फ्रेंड्स, इसका जो शेल्फ लाइफ है आपको देख सकते हैं, December 2018 to November 2021 तक है। मतलब ये 2 से 3 साल का आपको शेल्फ लाइफ इसका मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसको यू आप स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर के लिए भी। स्किन के लिए फ्रेंड्स नॉर्मल सा तरीका है, सिर्फ आपको 1 चम्मच रोज़ पेटल का पाउडर ले लेना है, उसमें 1 चम्मच दूध या फिर 1 चम्मच रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आप उसको मिक्स करके स्किन पे अप्लाई करके 30 मिनट्स आपको रखना है, उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आपको बहुत ही आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा फ्रेंड्स। हेयर के लिए तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आज इसको हेयर पे अप्लाई करके आपको बताने वाली हूँ कि हेयर पे अप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है। अब इसको लगाने के बाद आपके जो हेयर है वो सिल्की सॉफ्ट और स्ट्रांग हो जाते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है फ्रेंड्स। जो एकदम रफ हेयर है उसके लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो मतलब जिसके बहुत ही ज़्यादा रफ हेयर है, बहुत ही ड्राई डैमेज हेयर है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। स्कैल्प पे भी आप इसको लगा सकते हैं, इसमें मेंशन किया गया है, इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने का क्वांटिटी कैसा है, इसको आपको 20 ग्राम्स आपको ले लेना है। उसके बाद आपको 100 ml इसमें वाटर डालना है और अच्छे इसके मतलब अच्छे बेनिफिट के लिए आप इसमें कोई भी एक ऑयल ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल होगा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे 1 से 2 चम्मच। और फिर आपको इसको पूरा मिक्स करके अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना है। आपको इसको 60 मिनट के लिए अपने हेयर पे अप्लाई करना है और फिर उसके बाद आपको ठंडे पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा इसका रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको 3 घंटे तक रखना पड़ेगा। फ्रेंड, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका डेमो कि किस तरह से मैं अपने हेयर पे इसको अप्लाई करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपको ये पैकेजिंग में मिल जाता है, देख सकते हैं। ये देखिए सील पैक के इसमें आता है, इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिल जाता है, देख सकते हैं इस तरह के। तो फिर चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको ओपन करके। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। फ्रेग्रेंस एकदम रोज़ पेटल की जैसा, बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे आपको यूज़ करना है। फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 चम्मच 2 चम्मच तरह का आपको ये पाउडर मिल जाता है। ये मैरिट का कोकोनट ऑयल है, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं। देखिए 2 चम्मच ऐड करने वाली हूँ, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो फ्रेंड, चलिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया, आपको दिखाया इस तरह से। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेती हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको इसको पूरा मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा फ्रेंड्स ये थिक है, तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो हेयर पे अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से ये तैयार हो चुका है, ये देखिए मैरिट का कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है, तो फ्रेंड्स मैं उसी को हमेशा यूज़ करती हूँ। फ्रेंड, देख सकते हैं इसका पानी इसने पूरा सोख लिया है, ये फिर से कुछ इस तरह की कंटेंसी में हो गया है, फिर से इस तरह से हो चुका है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से मिला लूँगी, इस तरह का पेस्ट बन चुका है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको अभी हेयर पे इसको अप्लाई करके बताती हूँ आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अपने हेयर को कॉम कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर पे कॉम कर लिया है
और फ्रेंड्स हाँ, अगर आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर फ्रेंड्स आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं या फिर आपने कभी उस चीज़ को ट्राई कभी नहीं किया है, तो सबसे पहले कभी भी आप कोई भी चीज़ लाते हैं तो पहले उसको आप एक बार टेस्ट कर ले। आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी स्किन को वो सूट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह का जब पेस्ट बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हाथ पे थोड़ा फिंगर पे ले लेना है और ईयर के बैक साइड पे आपको यहाँ पे एक पैच लगा देना है इस तरह से। ये देखिए आप चार देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको पैच लगा देना है। आधे घंटे के लिए आपको इसको लगा के रखना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें ईचिंग होगी या फिर कुछ जलन वलन महसूस होगी तो आप प्लीज़ जो भी आप यूज़ करने वाले उसको यूज़ ना करें। एक्चुअली क्या होता है, सबका स्किन एक जैसा नहीं होता है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है। किसी का सेंसिटिव, किसी का नॉर्मल, किसी का ऑयली, भले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं फिर भी नुकसान कर देते हैं स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ये बात को आप ज़रूर नोट कर ले, बिना कोई टेस्ट किए पैक हो, स्किन के लिए हो, हेयर के लिए हो, उसको अप्लाई ना करें। जब आपको लगे वो सूट हो रहा है तो ही आप अप्लाई करें, क्योंकि जो सुंदरता होती है भगवान एक ही बार देते हैं, बार बार नहीं मिलती है वो चीज़, ना खरीदने से मिलती है, ना ढूंढने से, ना दोबारा एक बार खो जाने पे दोबारा मिलती है। तो फ्रेंड्स इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स मैं कई बार अल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ, तो मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए मैं आपके लिए इसका वीडियो बनाती रहती हूँ। और अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर भी मुझे भी कभी लाइफ में अगर किसी चीज़ से मुझे नुकसान हुआ या फिर मुझे वो हर्ट हुई तो मैं आपके साथ इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको आपको फर्स्ट टाइम लगा के बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अल्फ गुडनेस का बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, लेकिन रोज़ पेटल जो है मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है, स्किन के लिए मैं रोज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, हेयर के लिए अभी तक नहीं यूज़ किया है। तो मैं एक बार इसको ट्राई करना चाहूँगी, तो आपके साथ भी इसको शेयर करूँगी। तो फ्रेंड चलिए ये अच्छे से फूल चुका है, तो चलिए मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, आपको इस तरह से पार्टीशन कर लेना है, ये इस तरह से, ये देखिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं, पूरा इस तरह से मैंने अपने हेयर पे अप्लाई कर लिया है, ये देखिए पूरा अच्छे से अप्लाई हो चुका है। ये देखिए पूरा इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको पूरा इस तरह से आपको पूरे हेयर पे अप्लाई कर लेना है, जैसे कि आपके सामने ही मैंने इसको पूरा अप्लाई कर लिया है अपने हेयर पे। तो फिर मैं आपको ये सूखने के बाद ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से हो जाता है। फ्रेंड देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से सूख चुका है, पूरा सूख चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अभी इसको वॉश करके आपको बताती हूँ कि किस तरह मेरे बाल पे इसका क्या असर हुआ है। फ्रेंड चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने हेयर का वॉश कर लिया है। एक्चुअली मैंने इसको एक घंटे के लिए रखा था फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी मैं घर में फ्री ही थी तो इसके लिए मैंने इसको एक घंटे के लिए रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने वॉश कर लिया, मैंने ठंडे पानी से और माइल्ड शैम्पू से मैंने इसको वॉश कर लिया, इसमें कंडीशनर वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज वॉश करने के बाद मुझे एक मतलब फील हुआ कि मेरे बाल बहुत कम झड़े। एक्चुअली मेरे बाल पता नहीं क्यों झड़ते हैं, मैं बहुत कुछ करती हूँ लेकिन फिर भी उसमें कोई असर कम नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैंने आज जब किए तो बाल बहुत ही कम झड़े, कम से कम 2 से 3 ही बाल मेरे जब आज वॉश करने के बाद टूटे हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, तो फ्रेंड देख सकते हैं, देखिए अभी भी मेरे बाल थोड़े गीले हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हैं। चलिए मैं आपको कॉम करके बताती हूँ, तो फ्रेंड देख सकते हैं थोड़ा एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स मेरे जो बाल हैं थोड़े से ड्राई एंड डैमेज है, देख सकते हैं इस तरह से, लेकिन वॉश करने के बाद बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फील हो रहा है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब वाकई में मुझे रोज़ पेटल का जो भी पाउडर मैंने लगाया मुझे उसमें कोई भी ईचिंग नहीं हुआ, कुछ भी मुझे तकलीफ नहीं हुई, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने अपने हेयर स्मूथ लगने लगे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से,
तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इसका मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद जो छोटा सा बेल आइकन आता है उसको हिट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।